लोक आस्था का महापर्व छठ जो कल से शुरू होने जा रहा है, सभी महिलाएं इसको लेकर के तैयारियों में जुट चुकी हैं। और बिहार का एक ऐसा परिवार जहां से राजनीति की गंगा बहती हो, लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं हम। फिलहाल जैसी खबरें आ रही हैं, इस साल राबड़ी देवी छठ नहीं करेंगी, लेकिन उनकी पत्नी बात कर रहे हैं हम तेज प्रताप यादव की। जिस तरह से तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दायर कर दी है कोर्ट में, 29 नवंबर को फैसला है। अब उस पर क्या फैसला आएगा वो तो कोर्ट पर छोड़ देते हैं, उस दिन हम आपको जरूर अपडेट रखेंगे। लेकिन छठ के समय में पत्नी ऐश्वर्या ने छठी मैया से ये गुहार लगाया है। क्या गुहार लगाया है हम आपको बताते हैं। फिलहाल स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। छठ महापर्व नजदीक है, कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ, नहाए खाए खरना, अस्तचलगामी सूर्य को अर्घ देना और फिर उदयमान सूर्य को अर्घ देते के साथ ये पर्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी इस छठ के प्रारंभ होते ही सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि लालू परिवार में क्या हो रहा है। राबड़ी देवी ने साफ मना कर दिया है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, स्वास्थ्य को लेकर वो इस साल छठ नहीं करेंगे। उधर लालू प्रसाद यादव से भी आज तेजस्वी यादव मिलेंगे, ये सारी खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन पत्नी ऐश्वर्या तेज प्रताप की याद में छठी मैया से गुहार लगा रही हैं। हम हर बार ये खबरें दिखा रहे हैं, तेज प्रताप कहाँ है, वो हरिद्वार में है, वो दिल्ली में है, वो यूपी में है, हम सभी खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्या के दिल की बातें कौन जानता है। तो छठ मैया से उन्होंने क्या गुहार लगाया है इस गाने में जरूर आप सुनिएगा और देखिएगा छठ के समय में क्या, जब छठी मैया से ये करुणामयी विनती की गई है ऐश्वर्या द्वारा, तो क्या इस करुणामयी विनती को सुनने के बाद तेज प्रताप वापस घर लौट आएंगे और अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ फिर से जैसे पहले रहे थे सुखी दाम्पत्य जीवन की तरह वो रहने लगेंगे या नहीं रहेंगे, इस गाने के सुनने के बाद शायद तेज प्रताप लौट आए। रूठल तेज बलमुआ के छठी माय मना दी, रूठल तेज बलमुआ के छठी माय मना दी, जोरे सुबाबा चढ़ाई बजोरे सुबाबा चढ़ाई टूटत रे सत्ता बजा दी, रूठल तेज बलमुआ के छठी माय मना दी, रूठल तेज प्रताप के छठी माय मना दी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।